वैसे यकीन मानिए चाय की चुस्कियों के साथ या फिर इफ यू आर अ कॉफी ड्रिंकर तो कॉफी की चुस्कियों के साथ गपशप करने का मजा आता है। ये जो रूखी सूखी सी मुलाकातें होती है ना जिनको कहा जाता है ओ वी मीटिंग टू कैच अप, बड़ी डल एंड ट्रैप लगती है। शायद यही वजह है कि ना उम्र की सीमा हो में हमारे जो देव और विधि है वो भी कर रहे हैं कॉफी वाली डेट। जो हमारी नजरें देख रही है क्या वो सच है? देव विधि के साथ कॉफी डेट पर आया है क्या? कहीं ऐसा है क्या देव? अब माना कि देव और विधि के बीच उम्र का फासला है, लेकिन आपने ना शायद वो गाना नहीं सुना है, ना उम्र की सीमा हो ना जन्मों का बंधन हो, तो वो गाने की लाइन ना इन दोनों पर परफेक्ट बैठती है। विधि तो पहले से ही देव के लिए कुछ फील कर रही थी, लेकिन अब देव भी करने लगा है। आज बेसिकली विधि और देव कॉफी शॉप में कॉफी पीने जाते हैं और वहाँ पे देव विधि से कुछ पर्सनल सवाल पूछता है। बेसिकली देव को कहीं ना कहीं विधि से एक लगाव होने लगा है, लेकिन वो सिर्फ उसके सबकॉन्शियस लेवल तक पहुँची है ये बात, वो शायद अभी तक ये माना नहीं है। और विधि शायद थोड़ी आगे बढ़ गई है, लेकिन विधि भी क्लियर नहीं है। इस कॉफी डेट पर विधि से ये जानना चाहता है कि आजकल की लड़कियां लड़कों को किस तरीके से पसंद करती हैं, वो एक लड़के में क्या क्या खूबी देखना पसंद करती हैं। अब देव बाबू आपने ना विधि से यूं ही ये सवाल कर लिया, आप तो विधि को पहले से ही पसंद हो, वरना सोचिए वो आपके साथ इस कॉफी डेट पर क्यों आती। अब दोनों के बीच बातचीत चल ही रही थी कि पापा जी का फोन आ गया और पापा जी ने कह दिया कि विधि बेटा जल्दी से घर आ जाओ, लड़के वाले देखने आ रही हैं तुम्हें। आपको कौन होता लड़की देखना? वो 15 दिन के लिए आया है यहाँ और 15 दिन में सगाई करके वापस अमेरिका जाना है। अब ये बात सुनकर देव बेचारा सदमे में आ गया। वहीं दूसरी ओर एक घटना और भी घट गई। देव का रुमाल विधि के पास था जो कि देव देख नहीं वाला था, लेकिन देख नहीं पाया। आई थिंक ये एक चीज ना हर लड़की करती है, जैसे जब आपको किसी से प्यार होने लगता है उसकी छोटी छोटी चीजें आप सहेज के रखने लगती है, तो विधि ने भी ऐसा कुछ किया है। उसके पास देव की एक चीज है जो कि एक रुमाल, अब अननोइंगली वो कैफे में नीचे गिर जाता है, अब अगर देव ने देख लिया तो देव को पता चल जाएगा। मतलब विधि के पास देव का रुमाल क्या कर रहा है, इसका कोई लॉजिकल आंसर तो है नहीं। अगर देख लेता ना देव के नाम का लिखा हुआ रुमाल तो वो समझ जाता कि विधि मुझे प्यार करती है। चलो कोई नहीं, आज नहीं तो कल दोनों को पता चल ही जाएगा एक दूसरे की फीलिंग्स के बारे में, तब तो ये कहानी जरूर आगे बढ़ेगी उम्र को पार करके। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News आपको रखे आगे।